बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल के अंदर फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मेरे पास ये स्पाइस का मॉडल है, यहाँ पर देख सकते हो। इसका यहाँ पर मॉडल नहीं लिखा हुआ था तो मैंने इसका मॉडल पीछे में लिख दिया। यहाँ पर देखते हैं स्पाइस का जो मॉडल है V801 फ्रेंड, तो देख सकते हैं यहाँ पर स्पाइस का मॉडल है V801, ठीक है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है FRP का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसको हम लोग जो है SV फ्लैश टूल से जो है इसको जो है रिमूव करने वाले हैं, और इसका जो FRP वाला फाइल है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, और SV फ्लैश टूल भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो आप इजीली डाउनलोड कर लेना, बहुत ही इजीली से इसकी जो FRP है, देख सकते हैं यहाँ पर FRP आया हुआ है। तो देखते हैं FRP जहाँ पर देखते हैं वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए ज़्यादा देर न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है FRP का प्रॉब्लम, जो कि अभी आपने सामने में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो मॉडल है वो भी मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको जो इसका जो FRP वाला जो फाइल है और जो टूल की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली पहले उसको आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली मैं इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ऊपर में जो मेरा जो वाईफाई है वो कनेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा और ऊपर में देखते मेरा वाईफाई जो है कनेक्ट किया हुआ। तो यहाँ सिंपली बैक कर लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पर। मैं फिर से आपको एक बार कंप्लीट दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है फिर से मैं आपको चेक कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है FRP का प्रॉब्लम, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर भी वेरीफाई योर अकाउंट आ रहा है, ठीक है। तो पहले लिंक को आप जो मैंने आपको जो फाइल दिया उसको सिंपली आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड यहाँ पर मैंने पहले से ही किया हुआ, ठीक है। तो सिंपली इसको आपको ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन कर जब ऐसा कर लोगे तो आपको यहाँ पर दो फाइल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों फाइल के मैंने लिंक दिया हुआ है पहले, ठीक है। नीचे में आपको ये टूल है जिससे आप फ्लैश करोगे, और नीचे ये जो ऊपर वाला फाइल है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैं फाइल को ऊपर वाले को जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको पता तो है ही कि आपको एक उसी नाम का एक फाइल जो है बना देता है ऊपर में, ठीक है। तो सिंपली आपको ऊपर में जो है डबल क्लिक कर देना, ठीक है। तो देखिए ऊपर में ये आपको फाइल मिल गया एंड्रॉइड एक्सट्रैक्टर, यहाँ पर देखते हैं। और नीचे में देखते हैं एक टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड। देखो जब मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है ना, ये जो नीचे ऊपर जो ये 00 वाला लिखा हुआ है, ये दोनों अभी काम आने वाला है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको सिंपली, उसके बाद यहाँ से सिंपली ये फाइल हो गया, मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो टूल है हमारा फ्लैश टूल, इसको हमको भी एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो पहले टूल को ओपन करना है, यहाँ पर देखते हैं मैं टूल को ओपन कर लेता हूँ। फ्लैश टूल पर मैं क्लिक कर देता हूँ डबल, जैसे क्लिक करूँगा अभी जो टूल देखते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा चालू हो चुका है। यहाँ पर मेरा फ़ोन जो है अभी रखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर FRP पे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर चॉइस फाइल पर आपको क्लिक कर देना पहले, यहाँ पर मैं चॉइस फाइल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे चॉइस फाइल पर आप क्लिक करोगे तो आप अपनी जो है तो सिंपली दोस्तों पहले जो है आपको अपना फाइल निकाल लेना है जो भी फोल्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, यहाँ पर देखो डेस्कटॉप लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। साइड में देखो मैं आपको जो कि सामने में फाइल आ रहा है मगर यहाँ से मैं नहीं लूँगा, जहाँ पर रखा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको डेस्कटॉप पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखो नीचे में मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ फाइल, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ऊपर वाला जो फाइल है इसमें डबल क्लिक करेंगे, और ये जो एंड्रॉइड स्टिकर है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे से जो है इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे सारा का सारा फाइल यहाँ पर जो है आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताया था। आने के बाद सिंपली आपको जो है फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, यहाँ पर देखो डाउनलोड के बगल में फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में क्लिक कर देना, यहाँ पर मैनुअली फॉर्मेट फ्लैश पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं मैनुअली पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन आ चुका है ऊपर नीचे, यहाँ पर देखो तीन ऑप्शन आ गए। तो ऊपर वाले कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को दोनों को हमको पूरा का पूरा काट देना। देखो देखो यहाँ से मैं पूरा डिलीट कर दिया, और नीचे वाले को भी यहाँ से पूरा का पूरा डिलीट कर देना, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपको चले जाना फाइल में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था, जहाँ इसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट्स मिल रहा था। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स मैंने जो आपको बताया था फाइल के नीचे आपको मिल जाएगा, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया। जैसे फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, उसी के नीचे में ये दोनों आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर सिंपली आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऐसा फाइल आ जाएगा, देखो। तो ये जो कोड है आपको सिंपली ऊपर वाले को जो है आपको कॉपी कर लेना है। देखो यहाँ तक 0 तक जो है आपको कॉपी करना था, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद अपने फ्लैश टूल में चला देते हैं, यहाँ पर जो ऊपर वाले में सिंपली हमको जिसको जो है पेस्ट कर देता है। देखो पेस्ट मैंने कर दिया, उसके बाद दूसरे वाले पे हमको फिर से टेक्स्ट पे चले जाना है। देखो टेक्स्ट पे मैंने आ गया, फिर नीचे वाले को हमको जो है कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ से मैं नीचे वाले को कॉपी कर लेता हूँ, और इसको भी जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे वाले में यहाँ पर मैं जो है इसको पेस्ट कर दीजिए, मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसका काम मेरा खत्म हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा फ़ोन रखा हुआ, देखिए अभी भी FRP मोड पे ही रखा हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे आप FRP पे ही रखा हुआ। यहाँ पर मैं इसको बैक करके भी आपको दिखाता हूँ, देखते मेरा जो है FRP भी अभी भी रखा हुआ, ठीक है। मैंने अभी कुछ नहीं किया, ठीक है।
सिंपली सबसे पहले फ़ोन को अभी ऑफ़ करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ FRP लगा हुआ, ठीक है। तो सिंपली मैं फ़ोन को ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं फ़ोन को ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद आपको अपने जो ये जो है आपका जो मतलब PC से अपने लैपटॉप से आपको डाटा केबल को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डाटा केबल देख सकते हो, यहाँ पर मैंने मेरा जो है कंप्यूटर से लगा हुआ PC से मेरे। सिंपली क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट का बटन आ रहा है देखो, ठीक है, सारा फाइल मेरा रेडी है। उसके बाद सिंपली हमको स्टार्ट पे यहाँ पर जो है क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपको सिंपली डाटा केबल यहाँ लगा देना है। यहाँ मैं डाटा केबल लगा देता हूँ सिंपली। तो सिंपली मैंने जो है अपना डाटा केबल लगा दिया। नीचे में देखते हैं प्रोसेसिंग चला 100%। यहाँ पर देखो फॉर्मेट ओके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। देखो मेरा फ़ोन अभी ऑफ है, डाटा केबल से कनेक्ट है, यहाँ पर देखो फॉर्मेट ओके आ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, जो है डाटा केबल पहले बाहर निकाल देना है, उसके बाद सिंपली आपको मोबाइल को जो ओके चालू कर लेना, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर जो मेरा फ़ोन है अभी चालू हो चुका है, ठीक है। अभी हम देख लेंगे हमारा जो FRP वाला प्रॉब्लम आ रहा था वो दूर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर दिखा देख यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर देखते हो यहाँ पर जो मेरा जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो गया 100%, ठीक है फ्रेंड। कितना इजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आज दोनों की फाइल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो मैं बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मोनू मोबाइल रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के लिए इसी तरीके का वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो अभी ये रिस्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सिंपली फ़ोन, अगर आपका भी फ़ोन इसी तरीके से रीस्टार्ट होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है अभी भी जैसे अभी जो है रीस्टार्ट होना है, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर चढ़ाया वैसे मेरा जो फ़ोन है वो रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम जो डाउन है उसको प्रेस करके रखना है कंटिन्यू। देखो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम डाउन प्रेस कर दिया पहले से ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डाउन मैंने प्रेस किया हुआ, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम डाउन जो बटन है उसको मैंने प्रेस किया हुआ पहले से। तो यहाँ पर अभी फ़ोन चालू हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक बार इसकी जो बैटरी है वो खोल देनी है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो पूरी फिक्स है, ठीक है ना। तो आपको इसकी बैटरी खोल देनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी बैटरी फटाक से खोल देता हूँ। देखो यहाँ पर इसकी बैटरी जो है यहाँ पर मैंने खोल दिया। देखो यहाँ पर इसकी बैटरी है, यहाँ पर देख सकते हो इसकी बैटरी है। यहाँ पर मैं इसको बैटरी लगा देता हूँ। उसके देख तो यहाँ पर मैंने जो इसकी बैटरी खोल के फिर से मैंने लगा दिया है। उसके बाद अब हम चेक कर लेंगे हमारा प्रॉब्लम दूर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड। देखो मैंने इसकी बैटरी जो है खोल के फिर से लगाया है। अब यहाँ पर देखते हैं अभी रिस्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड देख सकते हो अभी जो है फ़ोन एक बार भी रिस्टार्ट नहीं हुआ, फ़ोन जो है चालू हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारा जो FRP का प्रॉब्लम है वो दूर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आपके पास भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपका फ़ोन भी अगर ऑटो रिस्टार्ट ऑफ होके ऑन हो रहा है, ऑफ होके ऑन हो रहा है, तो आपको बैटरी एक बार खोल देनी है, उसके बाद फिर से लगा देनी है, ठीक है। तो फ्रेंड अभी आपको देख रहे हो यहाँ पर फ़ोन जो है मेरा कम्प्लीट चालू हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो आप। देखते हैं यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है वो चालू हो चुका है। सिंपली हमको यहाँ पर देख सकते हो, इस सबसे पहले मैं इसको बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको सेटअप पे आ जाना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट के बाद सिंपली यहाँ पर जो है आपको स्किप का ऑप्शन है, स्किप कर देना है यहाँ पर। यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर जो है सेटअप एज न्यू पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एडिंग फ्यू मिनट, यहाँ पर जो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, ठीक है। देखो मेरा वाईफाई अभी भी कनेक्ट है फ़ोन में, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको जो है वेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो FRP का प्रॉब्लम था वो अभी दूर हुआ या नहीं हुआ। तो फ्रेंड जैसे ही बताया मैंने आपको कि अगर आपको भी इसी तरीके का रीस्टार्ट होता है तो आपको बैटरी को खोल के फिर से लगानी है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो अभी यहाँ पर देख लेते, यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो जैसा कि FRP मांगा जा रहा था वेरीफाई योर अकाउंट, सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं स्किप का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर जो आ चुका है। देख सकते यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ, यहाँ पर फिर से स्किप कर दे। जैसे मैं स्किप करता हूँ इसको सिंपली ओपन करना है, उसके बाद सिंपली हमको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पर सिंपली स्किप करना है, यहाँ पर स्किप एनीवे पे क्लिक करना है, उसको ऊपर कर देना है, यहाँ पर जो है सेटअप पे क्लिक कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है अपना जो कंट्री है उसको चॉइस कर लेना इंडिया, यहाँ पर सिंपली आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। तो सिंपली देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा फ़ोन है वो कम्प्लीटली चालू हो चुका है और पूरा का पूरा जो है ऑन हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको अगर इस तरीके का दिक्कत है तो आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सेटिंग ले जाता हूँ, सेटिंग में ले जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है अबाउट फ़ोन में दिखा देता हूँ इसका मॉडल। देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो मॉडल है स्पाइस का है V801,
यहाँ पर देख सकते हो इसका मॉडल। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो लेके आता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।